वेलकम बैक एक्चुअल क्या है सर, जो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इनको कहाँ यूज करें सर, किसके साथ यूज करें, किसके साथ यूज नहीं करें, कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा, इनका कॉन्सेप्ट क्या है सर, जितना भी इनका कॉन्सेप्ट है वो आज ही देख लेते सारा, कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है। ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, सबसे पहले मैंने लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म और इधर लिखा मैंने वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सबसे पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं कहाँ यूज होगा, किस सिचुएशन में यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सर है क्या, सबसे पहले ये बनाता है आपका परफेक्ट एक्शन। क्या बनाता है जी, परफेक्ट एक्शन। दूसरा यूजेज क्या है इसका, ये बनाता है आपका फिनिश एक्शन। क्या बनाता है, फिनिश एक्शन। तीसरा यूज क्या है, ये बनाता है आपका कंप्लीट एक्शन। क्या बनाता है जी, कंप्लीट एक्शन। उसके बाद यूज कहाँ होगा, ये ऑलवेज यूज होता है परफेक्ट टेंस में। कहाँ जी, परफेक्ट टेंस में। क्या बनाएगा, परफेक्ट एक्शन, फिनिश एक्शन, कंप्लीट एक्शन, यूज का होगा परफेक्ट टेंस में। यहाँ ध्यान दो सर, ये V4 क्या है, V4 क्या है, सबसे पहली चीज सर V4 बनता कैसे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं V4 बनता कैसे है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ing लगाने से। क्या था बाबू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ing लगाने से क्या बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाता है तो क्या बन जाता है आपका, V4। सर एग्जांपल दीजिए तभी समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, गो प्लस ing। क्या कहा बाबू, गो प्लस ing तो क्या बन गया, गोइंग। मैंने कहा ईट प्लस ing, ईट प्लस ing तो क्या बन गया बाबू, ईटिंग। क्या बन गया, ईटिंग। जो ये गोइंग और ईटिंग है ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जो ये गो और ईट है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है सर V4, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही बनता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सर सिर्फ तुम्हें करना क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है जी, ing। क्या बन जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब वर्ब के फोर्थ फॉर्म के यूजेस देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ये है तुम्हारा ing फॉर्म। क्या है जी, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद मैंने कहा कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहा बाबू, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये बनाएगा आपका टेम्परेरी एक्शन। क्या बनाएगा जी, टेम्पोरेरी एक्शन। क्या बनाएगा, टेम्पोरेरी एक्शन। उसके बाद ये बनाएगा आपका लाइव एक्शन। क्या बनाएगा जी, लाइव एक्शन। उसके बाद यूज कहाँ होगा, कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ होगा जी, कंटिन्यूअस टेंस में। कॉन्सेप्ट आ रहा है दिमाग में, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या काम करेगा, परफेक्ट एक्शन बनाएगा, और क्या होगा आपका, फिनिश एक्शन बनाएगा, कंप्लीट एक्शन बनाएगा, और परफेक्ट टेंस में यूज होगा ऑलवेज। यहाँ पर जो V4 है बनता कैसे सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाने से क्या बन जाता, V4। सर एग्जांपल दीजिए, गो प्लस ing कर दिया, गोइंग, ईट प्लस ing हो गया, क्या हो गया, ईटिंग। तो गोइंग और ईटिंग क्या है, V4। गो ईट क्या है, V1। सर V1 से ही बनता है V4, समझ में आ रहा है, V1 से बनता है V4। सिर्फ तुम्हें ing लगाना किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इधर ध्यान दीजिए, जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है काम क्या है सर, ये है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सर कौन सा बनाएगा एक्शन, एक बनाएगा टेम्पररी एक्शन, एक बनाएगा लाइव एक्शन। कहाँ यूज होगा, कंटिन्यूअस टेंस में। उसके बाद सर इनका यूजेस देखना है, इनका जो यूजेस है वो सर कैसे होगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो इनका यूज है वो किस टेंस में होगा, इसके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ ध्यान दो, मैंने क्या कहा बाबू, आई गोइंग। क्या कहा बाबू, आई गोइंग। उसके बाद मैंने कहा आई डन। समझ रहे चीज, आई गोइंग, आई डन। उसके बाद मैंने कह दिया ही ईटिंग। उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पर मैंने कह दिया सी ईटन। यहाँ ध्यान दो, गोइंग क्या है बाबू जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, डन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटिंग क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये क्या है तुम्हारा, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन सर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ ध्यान दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का एक नेचर है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। ये ध्यान कर लेना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। इसको सर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है तुम्हारा, गोइंग। यहाँ तो आप चाहे लगाओ आप वाज या लगाओ आप यहाँ पर एम, तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब का फोर्थ फॉर्म कभी भी नहीं आता, अकेले सर कभी भी नहीं आता, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा। यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, डन। डन क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, डन भी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपका बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। या तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा हैव
या लगाना पड़ेगा हैड। यदि प्रेजेंट में पहुंचाना है तो हैव, पास्ट में पहुंचाना है तो हैड। ये भी क्या है, प्रेजेंट में को पहुंचाना है तो एम, पास्ट में पहुंचाना है तो वाज। यहाँ पे हमको 18 क्या है सर, बी फोर है सर, बिना हेल्प के नहीं आएगा, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा जी, गलत। तो यहाँ पर आपको या तो करना पड़ेगा आपको इज, या करना पड़ेगा वाज। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर क्या, सी ईटन, ईटन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ आपको करना पड़ेगा या तो फिर करना पड़ेगा हैज, या करना पड़ेगा हैड, या हैज या फिर हैड। तो ये चीज याद रख लेना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए। क्या कहा बाबू, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए, पढ़ा नहीं रहा भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान दो। मैंने क्या कहा बाबू, आई, आई कह दिया, आई के बाद मैंने कर दिया एम, उसके बाद मैंने क्या कहा बाबू, ही, उसके बाद कर दिया है, इसके साथ मैंने कर दिया मेकिंग, क्या कर दिया मेकिंग, और इसके साथ मैंने कर दिया गोन, क्या कर दिया गोन, मेकिंग फूड, गोन टू स्कूल, क्या कर दिया गोन टू स्कूल। अब यहाँ देखो आप, ये क्या है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद ये क्या है तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, क्या लगा दिया तुम्हारा हैज, क्या लगा दिया हैज। तो ये क्या बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यही चीज देखना है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएगा आपका परफेक्ट एक्शन, और ये बनाएगा तुम्हारा या तो टेम्परेरी एक्शन एक्शन या फिर तुम्हारा लाइव एक्शन। क्या बनाएगा जी, लाइव एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें यही चीज देखना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आता सर, इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए बाबू, इनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोबारा बता रहा हूँ, कभी भी अकेले नहीं आता, बिना हेल्पिंग वर्ब के सर ये नहीं आ सकता। ओके, थैंक यू, टेक केयर।